नमस्कार साथियों, स्वागत है टीचिंग अपडेट्स चैनल पर। आज की वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है जो पढ़ाई तुम्हार द्वार के अंतर्गत ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हमें कैसे लॉगिन होना है और इस पोर्टल से हमें क्या क्या सुविधाएं और जानकारियां मिलने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले www.cgschool.in वेबसाइट को ओपन कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। जो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है वह इसमें डालकर लॉगिन हो सकता है। पासवर्ड भी सेम मोबाइल नंबर ही है। इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। इस तरह से अब इसको हम देखते हैं, लॉगिन करते हैं। ये खुल गया। ये स्टूडेंट का यहाँ पर नाम शो हो रहा है, रुमान खान। यहाँ पे क्लास चुनना है। इस तरह से ये क्लास 8 सब्जेक्ट यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। हिंदी, हिंदी सहायक वचन, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, भूगोल। तो यहाँ से हम कोई सभी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर मैथ्स चुन लेते हैं। मैथ्स चुनने के बाद यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऑनलाइन क्लास, कोर्स मटेरियल और होमवर्क। अगर ऑनलाइन क्लास करना है तो यहाँ से हम इसको क्लिक करके देख सकते हैं कब कब है। विजय व्यंजकों का गुणा एवं भाग शिक्षक सीमा मिश्रा के द्वारा 23/4/2020 को 3:30 बजे क्लास ज्वाइन करने के लिए यहां से हम लिंक टच करें, हम बता रहे हैं यहां पर। इसके बाद इंग्लिश का है द शूमेकर एंड द एप्स, शिक्षक रश्मि नामदेव, 23/4/2020 को 4:13 में। तो अगर इस क्लास में ज्वाइन होना है तो यहाँ पर पंजीयन करें लिखा है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद स्टूडेंट पंजीकृत हो सकता है। इस तरह से ऑनलाइन क्लास का सुविधा ले सकता है। इसके बाद कोर्स मटेरियल, यहाँ पर सब्जेक्ट चुनना है, मान लीजिए मैथ्स चुन ली। अब देखते हैं मैथ्स से कोर्स मटेरियल कौन से उपलब्ध है। यहाँ अपमा दुबे द्वारा निर्मित साधारण ब्याज भागे वीडियो यहाँ पर। उसके बाद इस सत्ता के अनुप्रयोग गोटियों द्वारा क्रियाकलाप करके वर्गमूल को समझना बिना ब्लैक बोर्ड के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइक का भी ऑप्शन है, स्टूडेंट इसको देखकर यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। जैसे इसको 25 लाइक मिले हैं। यहाँ खोजे कोई भी पार्ट यहाँ चुनने के बाद यहाँ खोजे के ऑप्शन से वो आसानी से अपना सर्च कर सकता है। यह
विद्यार्थी के कौन कौन से कार्य यहाँ पे हम देख सकते हैं, विद्यार्थी प्रोफाइल संशोधन, विद्यार्थी अपना प्रोफाइल संशोधन करना चाहता है तो यहाँ से वो कर सकता है। इसके बाद विद्यार्थी डैशबोर्ड, विद्यार्थी का संदेह, विद्यार्थी डैशबोर्ड ये है जो हम लोग पहले देख चुके हैं। अगर विद्यार्थी को कोई संदेह है, कोई कंफ्यूजन है तो वो यहाँ से शंका समाधान कर सकता है। मान लीजिए क्लास 8 का करते हैं, यहाँ पर हम विषय चुनेंगे मैथ्स और लेसन 1 से वर्ग एवं घर, इसमें देखते हैं कोई शंका है तो यहाँ पर विद्यार्थी अपना शंका दर्ज करेगा। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर वो शंका दर्ज करके यहाँ सेव के ऑप्शन में क्लिक करके सेव कर देगा। तो इस प्रकार इस पोर्टल का सुविधा एवं जानकारी विद्यार्थी बहुत आसानी से इसमें लॉगिन होके कर सकता है।